क्वेश्चन में कहा गया है स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P132 पैरेलल टू द लाइन दिस इंटरसेक्ट द प्लेन L1 गिवन बाय दिस एट द पॉइंट Q. Another straight line which passes through Q and perpendicular to the plane L1 intersects the plane L2 given by this at the point R. Then which of the following statement is oblique R true? You have to find the correct choice. कहने का मतलब है कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की गई है विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 132 एंड पैरेलल टू दिस लाइन एंड दैट लाइन इंटरसेक्ट द प्लेन L1 एट द पॉइंट Q. फिर Q पॉइंट निकलने के बाद एक और लाइन ड्रा की गई है फ्रॉम द पॉइंट Q विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन L1. उस लाइन ने प्लेन L2 को R पॉइंट पे कट किया है एंड यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन यू हैव टू फाइंड द करेक्ट चॉइस. हाउ आई विल डू सी, पहले तो वो लाइन ड्रा करता हूं विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 132 एंड पैरेलल टू दिस लाइन. ऑब्वियसली द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन विल बी x-1/1 y-3/2 z-2/1 क्योंकि इसके पैरेलल है. और अब ये लाइन इस प्लेन को कहां कट कर रही है वो पॉइंट निकालने के लिए पहले इस लाइन के ऊपर का जनरल पॉइंट निकालता हूं. तो जनरल पॉइंट निकालने के लिए आपको पता होगा हम इक्वल टू लैम्डा करते हैं. तो एक्स की वैल्यू आ गई λ+1, वाई की वैल्यू आ गई 2λ+3 और जेड की वैल्यू आ गई λ+2. लैम्डा के लिए कुछ भी हो जाए ये वाला पॉइंट इस लाइन पे तो लाई करेगा ही करेगा. टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेयर दिस लाइन कट्स दिस प्लेन मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा ताकि इसका ये जनरल पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई कर दे. और लैम्डा की वैल्यू जो मिल जाएगी उस वैल्यू को मैं यहां पुट करूंगा तो वो पॉइंट मिल जाएगा जहां पे लाइन ने प्लेन को कट किया है. दैट इज हमको क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे एंड दीज आर द स्टेप्स आई एम गोइंग टू यूज नाउ. अब मैं एक्स वाई जेड की इन वैल्यूज को यहां पुट कर रहा हूं तो आई गेट λ+1 -2λ+3 + 3 into λ+2 = 6. That is, I get 2λ + 4 = 6. That is, λ = 1. और लैम्डा के लिए 1 इसके अंदर रखेंगे तो हमको Q पॉइंट के कॉर्नर मिल जाएंगे. That is, the point Q will be 2, 5 and 3. Hence, we have got the conclusion that Q is equal to 2, 5, 3. और उसके बाद अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन हमने एक ऐसी लाइन ड्रा की है फ्रॉम द पॉइंट क्यू विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन L1. इसके परपेंडिकुलर का मतलब इसके नॉर्मल के पैरेलल और इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है 1-1, 3. तो यदि यह प्लेन है L1, ये वाला पॉइंट है Q 2, 5, 3, तो इस लाइन की क्वेश्चन जो है वो हो जाएगी x-2/, क्योंकि प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो 1-1, 3 है इसलिए यहां पे आएगा x-2/1 y-5/-1 इज इक्वल टू z-3/3. और उसके बाद पता लगाना है कि ये लाइन प्लेन L2 को कहां कट करती है. मतलब कि यदि ये वाला प्लेन है L2 तो हमको ये वाला पॉइंट पता लगाना है जहां पे इस लाइन ने इस प्लेन को कट किया है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस पॉइंट का नाम R है. और जैसे कि मैंने अभी भी किया था कि ये लाइन इस प्लेन को कहां कट करती है इसके लिए मैंने इस लाइन के ऊपर का जनरल पॉइंट निकाला था और उस प्लेन के अंदर रख दिया था. सिमिलरली ये लाइन इस प्लेन को कहां कट करती है इसके लिए वही प्रोसीजर मैं इसके ऊपर एक जनरल पॉइंट निकालूंगा और जनरल पॉइंट निकालने के लिए आई राइट इट इक्वल टू म्यू. दैट इज एक्स की वैल्यू आ गई μ+2, वाई की वैल्यू आ गई -μ+5, जेड की वैल्यू आ गई 3μ+3. अब
आर्क पॉइंट निकालने के लिए इस जनरल पॉइंट को इस एल टू प्लेन की इक्वेशन में रख दूंगा, तो आई गेट 2 इंटू म्यू प्लस 2 माइनस माइनस म्यू प्लस 5 प्लस 3 म्यू प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 4, दैट इज आई विल गेटिंग 6 म्यू प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 4, दैट इज म्यू इक्वल टू माइनस 1, और म्यू की वैल्यू माइनस 1 आ गई, तो आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट विल बिकम माइनस 1 प्लस 2 दैट इज 1, 1 प्लस 5 6 एंड माइनस 3 प्लस 3 0, तो आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 160. एंड नाउ चेक द फर्स्ट चॉइस, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ इज रूट 6. ये तो हमने देख ही लिया है कि P पॉइंट जो है 132 है और Q पॉइंट जो है वो 253 हमने कैलकुलेट किया था, दिस वॉज द पॉइंट Q. तो PQ बिकम्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज रूट 6. देयरफॉर आई कैन से फर्स्ट चॉइस इज द करेक्ट चॉइस. सेकंड चॉइस में बोला गया है द कॉर्नर ऑफ द पॉइंट आर आर 163 और हमने आर पॉइंट निकाला था 160. देयरफॉर आई कैन से बी इज द रॉन्ग चॉइस. थर्ड चॉइस में बोला गया है द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर इज दिस. क्योंकि हमको पता है पी ये है, क्यू ये है और आर जो है हमने कैलकुलेट किया है 160. तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विल बिकम 1 प्लस 2 प्लस 1 बाय 3 दैट इज 4 बाय 3, 3 प्लस 5 प्लस 6 बाय 3 दैट इज 14 बाय 3, 2 प्लस 3 प्लस 0 बाय 3 दैट इज 5 बाय 3. देयरफॉर दिस चॉइस इज करेक्ट. एंड द नेक्स्ट चॉइस इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR इज दिस, दैट इज आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ PQ प्लस QR प्लस PR. PQ तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया था, रूट 6 है. PR और QR हम कैलकुलेट करेंगे. नाउ PR इज इक्वल टू अंडर रूट 0 प्लस 9 प्लस 4 दैट इज रूट 13. तो क्योंकि रूट 13 इसमें नहीं है तो इसका मतलब हो गया दिस इज रॉन्ग चॉइस. हेंस आई कैन से द करेक्ट चॉइसेस आर A एंड C.